अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शोकड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस, रोजे और हम लोगों ने रिएक्ट किया था, मोस्ट लव्ड वीडियो हमारी, या बहुत ही मजेदार वीडियो था वो, और उसका पार्ट टू के ऊपर हम लोग अभी रिएक्ट करने वाले हैं। इट्स फ्रॉम डेफिनेटली शाहरुख की स्केचबुक। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दी है। जरिए ऑनलाइन शॉपिंग पर ना सिर्फ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बल्कि शॉपिंग करने पर लिटरली पैसे कमा सकते हैं। यानी समझने के लिए फर्स्ट करें कि अगर आपने सेवियर ऐप के जरिए 1000 रुपीज की परचेस की है एंड द कैशबैक फॉर दैट पर्टिकुलर परचेज इज अप टू 25%, तो उस ऑर्डर के लिए 250 रुपीज आपके सेवियर वॉलेट में आ जाएंगे, जिसे आप आसानी अपने बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल आल्सो अर्न 500 रुपीज जस्ट फॉर ब्रिंगिंग अ फ्रेंड टू सेवियर थ्रू योर यूनिक रेफरल लिंक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेवियर के जरिए आपकी पहली 1000 रुपीज की शॉपिंग पर भी आपको 500 रुपीज एज अ gift milenge. So find my referral link in the description and sign up on Savior now to start earning today. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक। वैसे तो रमजान के टॉपिक पर मैं पिछले साल वीडियो बना चुका हूँ और इस बार मेरा प्लान किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना था, लेकिन आप में से काफियों की पुरजोर फरमाइश के तहत आज की वीडियो एक बार फिर रमजान ही पर सही। इस गुफ्तगू के आगाज का सोचा तो मेरे दिमाग में वो दौर आया जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था और घर घर की छतों पर लोग बाकायदा चांद ढूंढने जाते थे, और फिर चांद नजर आने की खुशी भी एक अलग ही खुशी थी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बा क्या हो गया? अबे रमजान का चांद तो कब का नजर आ गया, तू अभी तक बंद नहीं हुआ? अब्बा कुछ तो शर्म करो, अपनी औलाद को इब्लीस कह रहे हो? अबे इब्लीस तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने, बल्कि मैं तो कहता हूँ इब्लीस को तेरे वसवसे आते होंगे। क्या ना अब्बा, सारा वक्त तंज करते रहते हो। अच्छा चल फिर उठ और वुजू कर, चल मेरे साथ तरावीह पे। शाबाश जी अब्बा, आप जाए मैं आ जाता हूँ पैदल। वैसे खुदा ही तुझे हिदायत करे। शबनम, ओ शबनम चलो उठ मेरे साथ सहरी का इंतजाम में मदद कर, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं अकेले काम करने की। आ जा चल। जी अम्मी उठ रही हूँ। ये कबीर इतना नालायक लड़का है, इसे एक हफ्ते से कह रही हूँ रमजान के लिए सौदा ला दे, अभी तक नहीं लाया है। अरे अम्मी आप कबीर को छोड़े, मैं सेवियर ऐप से मंगवा देती हूँ आपको ग्रोसरीज, इसी बहाने कैशबैक से मेरी पॉकेट मनी भी आ जाएगी, वरना आपको पता ही थी तो इस बार भी जमा होनी नहीं है। मामू इतने कंजूस हैं, अभी तक 100 रुपए देते हैं। हाँ बस ठीक है, इसी बहाने कुछ बचत ही हो जाएगी, वरना कबीर कमबख्त तो इतना करप्ट है, बचत तो दूर की बात, ये खुद ही पैसे शॉर्ट कर लेता है बीच में। अम्मी बल्कि मैं तो कहती हूँ अब्बा की दिलबर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी छोड़ें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेवियर से ही मंगवाया करें। वैसे शब्दम तू भी कोई कम कारोबारी नहीं है। अम्मा अच्छा है ना, कुछ कमाई मेरी भी होने दे। हाँ ठीक है चला, बहुत ज्यादा बातें ना कर, सैरी में हाथ बटा मेरे साथ। हाँ पढ़ता हूँ ना माँ जानू, क्या मतलब ईद के बाद बात होगी? तुम कोई शैतान हो जो रमजान में बंद हो जाओगी? दबीर जी अम्मी क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है इस पैर? वो अम्मा मौलवी साहब से बात कर रहा हूँ, वो दीन के मसाइल समझा रहे थे, रमजान है ना। सब समझती हूँ तेरी हरकतें, अभी जाओ दही और पराठे लेकर आ, वक्त कम है तुझे तो, मैं बाद में देखती हूँ फुर्सत से। जी अम्मी अबे मर गए। अरे ये क्या शेरी में बस अंडा ही है? आए हाय बिस्मिल्लाह करके खा, ये भी बहुत है, शैतानियत ना कर। अरे बड़ी भी कुछ तो रहम करो। अरे बनती है लस्सी बन जाती है अभी, सबर करो ये तो खा लो पहले। शबनम वो फ्रिज में मलाई पड़ी है, वो लाकर दे अपने अब्बा को। जी अच्छा। और बेटा ये चाय भी गर्म कर दे यार, ये शुरू में ना रखा करो, चाय ठंडी हो जाती, तुम लोगों को कितनी बार समझाए। और ले आ भाई जल्दी ले आ लस्सी। अम्मी बर्फ नहीं रखी। ये तो मुझसे पूछ रही है, शर्म तो नहीं आती ना तुझे, रखी किसी ने कल बर्फ? अबे ऐसी ले यार लस्सी, क्या हो गया? अरे क्या, मैंने तो अभी पानी नहीं पिया। अरे कुछ नहीं होता, जा पी, मुझे भी ला कर दे पानी। पर बस आयरन बज रहे, टाइम खत्म हो गया सीरी का। अरे कुछ नहीं होता है, हमारे मस्जिद के मौलवी साहब जल्दी कुकू बजा देते। तू पी आराम से पी, साथ में खा भी ले, कुछ नहीं होता। ये अच्छा खुद सेरी कर लो, तो सबको रोक दो, खा आराम से खा। शर्म तो नहीं आती ना आपको? अबे अब क्या करती है? अबे कुछ अरसे शैतानी चरखे को साइड पे रख दे और कुछ खुराक भी याद कर लियो, उठो और फजर की नमाज पढ़, देर हो रही है। जी अब्बा उठ रहा हूँ। हाँ उठ जा बस, देर ना कर। अब्बा मैंने तो पेश ही नहीं किया, अब तो अजान भी हो गई, अब क्या करूँ? तो इसमें क्या बात है, खैर अब कर ले। अब्बा कभी कभी वैसे मैं सोचता हूँ आप कैसे मौलवी हो। अबे ठीक तो कह रहा हूँ, तूने कौन सा पेस्ट को अलग में उतार दे? पता नहीं अब्बा, मैंने तो सुना है पेस्ट करने से रोजा टूट जाता है। हाँ तो फिर माता रही हूँ
सारे दिन मुंह से जहरीले बपके बस मुझसे दूर रही हो। इस दबीर नालायक को कह दे उठ जाए, नहीं तो रोजे में गजब हो जाएगा मुझसे। जोहर का वक्त भी कजा होने को है, अब तो इसे उठा, नमाज पढ़े और बाहर से इफ्तार का सामान लेकर आए वक्त पे, वरना बाद में तू मेरे सर पे डंडे मारेगी, सामान नहीं आया, तेरी औलाद ऐसी है वगैरह। अरे उसे तो रोजा लगा पड़ा, कोई असर नहीं है उस पर, लगता है सुबह देर तक इबादत करता रहा इसलिए लेट सोया। अबे वैसे बहुत बोली है तू कसम से, इबादत विबादत कोई नहीं कर रहा था, शहरी के बाद ये सुबह तक मोबाइल इस्तेमाल करता रहा है, सुबह 8 बजे भी ऑनलाइन था व्हाट्सएप पर। अच्छा वैसे तू क्या कर रहा था व्हाट्सएप पर सुबह 8 बजे? अरे बड़ी भी तू या तो शोहर संभाल ले, अपना बेटा संभाल ले, अभी इफ्तार में बहुत टाइम है, मेरा रोजा खराब ना कर। दबीर, ओ दबीर मेरा बच्चा, उठ जाए ये ले पानी पी ले। इफ्तार का टाइम हो गया? अरे बेटा तेरा इफ्तार से क्या ताल्लुक, जोहर और असर की नमाजें तो तूने पढ़ी नहीं, फजर का मुझे पता नहीं, क्या जरूरत है इस फाके की? अम्मा बहुत रोजा लग रहा है, सर में दर्द है। ड्रामे बंद कर और उठ के नमाज पढ़ गुनहगार। अच्छा ना मैं उठ रहा हूँ। इसके बाद अगर तू सोता नजर आया ना तो तुझे तेरे बिस्तर समेत घर से बाहर कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अबे यार अभी तो 3 घंटे पड़े, मेरा तो प्यास से ही मिसाल हो जाना। शैतान के बच्चे कहीं और जाके नहीं ठूस सकता यार? भाई जूस तो आज कुछ ज्यादा ही लजीज है, मजा आ गया। पिल्ले कतूड़ है, तू नहीं बचेगा आज। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। सॉरी भाई सॉरी, छोड़ दो सॉरी भाई। तबीर जी। अम्मी क्या शोर मचा रखा है? अम्मी अपने छोटे इब्लीस को संभाल ले, मेरे सामने खूब बेशर्मी से ठूसा ठासी कर रहा है। अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो, कुछ शर्म करो तुम। हाँ उसे कुछ ना कहना आप, बस बहस मत करो, चुप करो और जाकर इफ्तार का सामान लेकर आओ। तुम लोगों ने तो बस मुझे ही परेशान करना होता है, कुछ एहसास कर लो, सुबह से लगी हूँ अकेले। अरे ये क्या कर रहे हो, रोजा तोड़ दिया? अम्मा याद ही नहीं रहा, अब क्या करूं? जहन्नुम की तैयारी। वैसे रोजे की हालत में सही तब तो उन लोगों पे चढ़ती है जो फेसबुक पर ठंडे पानी के ग्लास की तस्वीरें शेयर कर देते हैं। एक तो पहले ही प्यास से रग रग खुशखुई पड़ी हो, ऊपर से ऐसी पोस्ट सामने आ जाए, कुछ तो रहम करो। बाय द वे सही काम चोरी तो ऑफिस में होती है रमजान के दिनों में। यार क्या नहीं, क्या बात है, आज ऑफिस बड़ा खाली है, किधर है सारे? इधर ही। साजिद कहाँ है? साजिद यही है, टेबल के नीचे सो रहा है कैमरे से छुप कर। वाकई? और शोएब किधर है? वो स्टोर रूम में सो रहा है। कमाल है यार। और मुनीब? वो ट्रेन स्टेशन गया है। क्यों, खैरियत? उसका रोजा नहीं था, स्टेशन पे मुसाफिर होते हैं, मुसाफिरों का भी रोजा नहीं होता, तो वहाँ खाना खाने गया। बड़ा तेज है यार, यानी आज तो कोई काम शाम नहीं कर रहा, लेकिन तू बड़ा काम कर रहा है, कमाल है, क्या चक्कर है? अबे काम नहीं कर रहा, मूवी देख रहा हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब ना कर। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। क्या है ब्रो, लगता है रोजा लग रहा है। अबे दिमाग ना खाए यार। अच्छा सुन, इस वीकेंड इफ्तार का सीन है बाहर, और तू आ रहा है, ऑल यू कैन ईट बुफे। अबे भाई पैसे नहीं है, घर में अम्मा अब्बा का माशाल्लाह लगा है, मैं नहीं आ रहा। अबे यार गरीबा ने रोजे रखे, दिन लम्बे हो गए ने। क्या? अच्छा छोड़, तू ये बता घर का सौदा वौदा लेना है आजकल में? हाँ क्यों? और अम्मी और सिस्टर ने शॉपिंग भी करनी है ईद की। हाँ क्यों पूछ रहे है? तू एक काम कर, मैं तुझे सेवियर ऐप का रेफरल लिंक भेज रहा हूँ, जो भी शॉपिंग है इस ऐप से कर, भले खाने पीने के आइटम्स हो, ग्रोसरी हो, कपड़े हो, कोई भी ब्रांड हो, या इवन सिस्टर की कॉस्मेटिक्स खरीदनी हो, सब इससे खरीद। जितने का भी ऑर्डर बनेगा ना, उसका अप टू 25% कैशबैक तेरे सेवियर वॉलेट में आ जाएगा, वो पैसे अपने सेवियर वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करा लेना, और साथ में पहली 1000 रुपए की परचेज पे तुझे 500 रुपए फ्री मिलेंगे। अबे बस कर दे, टोपी बना रहा है ना। अबे क्या यार, बंदा गरीब हो, बंदे की सोच ना गरीब हो। अबे सच कह रहा हूँ यार, अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा बस ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ पैसे। लेकिन अगर इस बार पिछली बार की तरह अगर तूने प्लान कैंसिल किया ना, तो इन्हीं पैसों से तेरे लिए जहर खरीद के लाऊंगा। डन है ब्रो, डन है। वैसे हॉस्टल की अफ्तारी के भी अपने ही शोगल है। हाँ यार कितना टाइम रह गया, देखो जरा। ओ बस यार होने लगी है जान, थोड़ा जा सबर नाल बह जा, दवा पढ़ लो दवा। भाई दुआ होता है, दवा नहीं होता। ओ गाजू माता तू चुप कर। यार ये बाथरूम की बाल्टी यहाँ क्या कर रही है, इसे हटाओ यहाँ से, अफ्तारी करनी है। ओ साले इस बाल्टी में शरबत है। हो गया। शुरू करो।
यार ही जिसने पैसे नहीं ना दिए वो चार से ज्यादा पकोड़े ना खाए। ओए इंसान मन। ओ यार मजाक कर रहा हूँ, खाओ खाओ ना। फिर मैं तो मजाक करता हूँ ना आपके साथ, कोई बात नहीं आपने अगर पैसे नहीं दिए। जैन चुप कर जा यार, चुप करके खा। ओ यार ये शरबत तो वाहवा ही फिक्का है, ये तो पीने ही नहीं हो रहा। वही मैंने बनाया है, बोतल एक ही और 15 दिन चलानी है। भाई कुछ खा ले यार। चुप कर जा जैन, चुप कर जा यार। ओ भाई खा नहीं रहा यार, वो खा ले भाई। यार तुझे पता तो है उसका लेट खुलता है रोना। ओ यार तू बताना था ना, मैं तो सारे पकोड़े ही खा गया। और चाट भी खत्म हो गई है। ये तो जब खा रहे थे तब सोचना था ना तुमने, महफिल में बाकी भाइयों का भी ख्याल रखा कर। खैर अब टेंशन नहीं लो, रखी हुई है बासित ने उसकी अलग प्लेट। ओ चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं नेवर माइंड। आ जाओ भाई नमाज पढ़ने, आ जा शहरम, ये बाद में खा लिया, आजा नमाज पढ़। आ रहा हूँ। वो सुट्टा पार्टी को भी बुला ले। दबीर कलीद है, कुछ अपने हुलिये की डेंटिंग पेंटिंग ही करा ले, मुझसे पैसे ले और नाई के पास जा। 1000 रुपए दे दे। इस बात के? वो नाई ईदी मांगता है ना। तू उसका ताया लगता है? उसे बोल अपनी उम्र देख और शर्म करे। मैं जा रही हूँ शबनम के साथ इसको मेहंदी लगवाने और अपना दुपट्टा लेने। खाना खा लेना, मुझे देर हो जाएगी। बड़ी भी ऐसा कर, मेरे लिए 2 बिरयानी और नाड़े लेती आई हो, पिछली ईद भी मैंने गुलाबी नाड़े में गुजारी थी। उठो तुम भी साथ चल रहे हो, जान ना छोड़ाओ। बढ़ गए रमजान से रिलेटेड वो सारे कॉमन पॉइंट्स जो आपको इस वीडियो में नहीं नजर आए, होपफुली मेरी रमजान की पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली मेरे शो को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक भी दिया हुआ है और सेवियर ऐप का लिंक भी है, यानी मेरे यूनिक लिंक से सेवियर ऐप डाउनलोड करने पर आई विल गेट पेड एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी रन दिस शो। आज के लिए इजाजत दें, कमी बेशी माफ करना, अल्लाह हाफिज। For me, the first video was better than this. मेरे लिए this was actually better, I think, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही relevance था। यहाँ पे जो office का relevance दिया गया या फिर जो भी उसका hostel का reference दिया गया और ऐसे बहुत सारे references दिए गए, and एक second के लिए भी हमें attached feel नहीं हुआ उससे। एक second के लिए लगा नहीं मुझे। हाँ why do you go out of the frame always? I think you have to keep the hand here, इस वजह से ऐसे वजह से तो just सीधे वहाँ पर देखो। God LED लगी हुई है तो आई गेस एक सेकंड के लिए भी रिलेवेंस मुझे वो लगा नहीं, डिटैच फील नहीं हुआ। आई वाज एक्चुअली फीलिंग कि ओके मुझे अभी देखना अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एवरी सेकंड वाज लाइक वेरी कनेक्टेड टू इट और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ बना के बोल रहे हैं या फिर कैरेक्टर्स को ओवरडू कर रहे हैं या फिर ओवर क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं कैरेक्टर्स को और कहीं से कैरेक्टर को ज़्यादा दे दिया गया, ऐसा लगता नहीं वहाँ पे। और जिस तरह से इन्होंने इमेजिन किया है, बेसिकली स्टोरी बोर्ड में सब कुछ लिखा है, बाकायदा लिख के इन्होंने उसके बाद में बनाया है इसको और अच्छा बहुत वेल प्लान्ड है सब कुछ हुआ। यहाँ पे कम से कम इतना करने में 1 महीना तो लग सकता है मेरे ख्याल से, स्क्रिप्टिंग बनाने में, फिर उसको एनिमेशन करने में। सिंपल एनिमेशन लगता है लेकिन जितना सिंपल उतना ही डिफिकल्ट होता है। कैरेक्टर की जो शेडिंग की गई है, अगेन जो सबसे लेजी है, जो सबसे नमाज नहीं पढ़ता उसको काला काला, और जो बेहतर इंसान है जो करता है उसको, और जो चाचा जो मामू है उनके पान वाले दांत सारे रेड। So everything is like done in a very detailed manner. ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं है लेकिन बहुत कुछ किया है। Yeah. Start definitely, you know, जो घर का माहौल था वो बहुत relevant था। मैं कभी ऑफिस गया नहीं हूँ भाई, मेरी ऑफिस की लाइफ कभी मुझे नसीब हुई नहीं। बट यहाँ पे what he said जो सोते हैं ना यहाँ पे, वो एक्चुअली उन्होंने ऐसे पकड़ा है। हमारे तो कभी ऑफिस किसी सोए नहीं है ऐसे, बट हाँ ऐसे मैंने सुना है बहुत सारे ऑफिस जहाँ पे नीचे सो जाते हैं, पर्टिकुलरली रमजान में नींद आती है उनको, तो दे स्लीप वहाँ पे नीचे। बड़े बड़े ऑफिसर्स में, अच्छे यहाँ पे आलिशान ऑफिसर्स, वहाँ पे सोना नहीं होता है, वहाँ पे एक्चुअली ऑफेंस होता है वहाँ पे, तो इसीलिए स्टोर रूम में सो गए या फिर कहीं बंकर में जाके सो गए या फिर कहीं नमाज की जो रूम छोटी बनाई जाती है वहाँ पे जाके सो गए। तो ऐसा क्यों, कैसे इन्होंने ओवरऑल एक चीज़ को उन्होंने ला के रखा है। सो जो ऑफिस का था, ऑफिस का एक्सपीरियंस मुझे कभी हुआ नहीं, हॉस्टल का था, हॉस्टल का एक्सपीरियंस मैंने कभी लिया नहीं। हॉस्टल का आजकल मेरा हॉस्टल ही चल रहा है यहाँ पे ऑफिस में। यार लेकिन जो दोस्तों के बीच में जो इफ्तियारी होती है वो डेफिनेटली वहाँ पर वो माहौल दिख रहा था हमें, बट ऐसा मत समझना कि मैं वेला हूँ और मैं ऑफिस नहीं आता एट ऑल, यू नो उसका अलग सीन है, वो कभी और बताएंगे आपको। सो या उसके अलावा जो घर का माहौल था, डेफिनेटली इट फेल्ट कि वो जो बहुत रिलेवेंस होता है, बहुत वो मतलब कि वो फील हो रहा था। एंड ऑल्सो जो ऑफिस का स्टफ मैंने जितना सुना है लोगों से वो मुझे लग रहा था। एंड या दोस्तों की इफ्तियारी में जो ये होता है, ये एक नमूना जो होता है, जो सबकी इफ्तियारी है बग बग वो करता रहता है, वो नमूना हमको वहाँ पर देखने को मिला। एंड परसों रिसेंटली वो एक बंदा जो कि लेट खुलता है, मतलब उसका एक अलग हिसाब होता है, उसकी अलग होती है, उसका
माइंड प्रोसेस होता है कुछ किसी और साइरन पे, उसको ही वेट करता है। सामने वाले खा के डकारा मार ले वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। और किसी को एक्चुअली रियलाइज होता नहीं, वो किसी को बोलता नहीं, वो ना आफ्टर दैट सम टाइम बाद में होता है ये तो खाया नहीं, खाया नहीं है यार। वो परसों हुआ मेरे साथ, लाइक रिसेंटली जब मेरे फैमिली में तब हुआ है। सो सच अ नाइस, आई थिंक ओल्ड वीडियो है, लाइक इट्स नॉट, इट्स 1 ईयर अगो। या तो आई डोंट नो हाउ, मतलब अच्छे से रिलेवेंस इन्होंने किया गया क्या है। देयर वाज अ कमेंट इन आवर रोजे और हम के फर्स्ट वीडियो में कि ये पाकिस्तानी की शहरी और इफ्तारी का थिंग है। नहीं भाई, ये इंडिया में भी ऐसे ही होता है, इंडिया में एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं, सब हमारी इमोशन सेम है ओवरऑल। व्हाट आई फील इज दिस, ये जो हर माहौल है मुस्लिम फैमिलीज का, खासकर जो माहौल है वो यहाँ पर और वहाँ पर बिल्कुल सेम है। बिकॉज जितने रिलेवेंस हमें सिर्फ रमजान के बारे में, उसके अलावा भी जो मिलते हैं बहुत सिमिलर लगते हैं, बट दिस वीडियो में जो फील लग रहा था, इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि ये पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी माहौल के ऊपर बनाया, इट लुकिंग लाइक कि हमारे माहौल के ऊपर। घर वाले ने जो कि मेरे घर में आके बहुत कुछ देखा है, मेरे घर में बैठ के देखा है बहुत कुछ चीजें होते हुए, तो वो लगता है यहाँ पे। Yeah. तो ये अचीव करना बड़ी बात है भाई, ये तो खुदा से ही मिलता है। एंड आई मस्ट से कि ही इज अमेजिंग इन हिज वर्क। आई मीन एनिमेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, जितने भी यूट्यूब के भी क्रिएटर्स हैं, एनिमेशन करना इज बहुत ही डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और सेकेंडली इसमें एनिमेशन के साथ साथ स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग के साथ फिर ही हैव टू गिव हिज वॉइस और फिर एडिट करो वगैरह वगैरह, इसका प्रोसेस आई थिंक एक वीडियो के लिए महीने से ज्यादा भी लेते होंगे। बिकॉज जो लोग जैसे कि हमारा ओनली देसी है, ही ओनली गिव हिज वॉइस एंड मेक ए स्क्रिप्ट वॉचिंग दैट एंड टेक्स 1 month, तो यहाँ पर एनिमेशन करो एंड ऑल दो स्टफ विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। But he is amazing. प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है और ये, एंड दिस इज अ ओल्ड वीडियो जो एक साल पुराना है, तो आई थिंक नए वीडियोज में और बेहतर तरीके से इन्होंने अपना काम किया होगा। आई थिंक ये कहीं ना कहीं मन्या की दुनिया से इंस्पायर्ड है, मुझे लगता है मन्या की दुनिया वाले चैनल था यहाँ पे, जो कि आज भी अरे उतना फेमस है नहीं अभी के लिए, लेकिन 7 साल पहले मन्या की दुनिया एक अमेजिंग चैनल और था जो ऐसे ही कॉन्टेंट प्रोड्यूस करता था और अमेजिंग। इनके मैं बोल सकता हूँ इनके थोड़े से बेहतर एनिमेशन है, उनका तो एकदम सब थे स्क्रैचिंग लाइन्स, बस लाइन होते वहाँ पे, लेकिन इतना उस कैरेक्टर के अंदर पावर भरते थे वो, एक छोटा सा कैरेक्टर बस 5-6 लाइंस में कैरेक्टर बन गया वो, तो उसकी पिक्चर ड्रॉ हो गई, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुआ करता था वो। तो ऐसे ही इनके भी कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं, मुझे वो भी इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, लेकिन हमारे सेंसिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करके उसको एक कैनवस में उतार के हमको दिखाना, एंड दैट इज अ ग्रेट जॉब। Yeah, so this was our reaction on Rose aur Hum Part 2, and please do subscribe the channel, ring the notification bell, and follow us on Instagram, Skeletal Samedi. This is Mohan Chavez, signing off.